मर्दों की मर्जी की शिकार थी, लेकिन अब हमारे हाथ में कानून की तलवार है और वो तलवार है तलाक। तलाक मनोरमा देवी, तुम्हें तलाक लेना चाहिए अपने पति से, तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। वो जुल्म करता जाए और तुम बर्दाश्त करती जाओ, कहाँ का इंसाफ है ये? भगवान के लिए जरा धीरे बोलिए, लड़कियां सुन रही है। जाओ तुम लोग अपने अपने क्लास में जाना, यहाँ क्यों हो? मिस इंदु, ये आवाज दरवाजा बंद करने से बंद नहीं हो सकती। जी हाँ, लेकिन आपके चुप रहने से बंद हो सकती है। ये सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं मिस इंदु, ये इन सब लड़कियों की आवाज है, सब औरतों की आवाज है। और एक दिन तुम्हें भी मालूम हो जाएगा कि मर्दों के जुल्मों का यही जवाब है। ये कोई जवाब नहीं, ये तो नासमझी है। माफ कीजिए, लेकिन स्त्री पुरुष के झगड़े का जवाब है समझौता, समर्पण। समझौता और समर्पण पुरानी भाषा है, तुम्हें शादी के बाद पता चलेगा कि मर्द के साथ क्या सलूक करना चाहिए। समझौता, समर्पण, त्याग, प्रेम, शादी से पहले ये बातें समझ में नहीं आती है मैम साहब। जाओ जाओ, तुम अपना संगीत सिखाओ जाकर। Thank you.
नमस्ते नमस्ते प्यारी बहनों, तुम्हारी नन्ही नन्ही जिंदगियां भी इन फूलों की तरह कोमल है। आज मैं तुम्हें वो संगीत सिखाऊंगी जो तुम्हारा जीवन संगीत बन सकेगा, जो तुम्हारे जीवन को सरल, सुंदर और सुखद बनाएगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन की रूपरेखा से तुम्हारा, तुम्हारे कुटुंब का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का और सारे संसार का कल्याण हो सकता है। घर बनाना, घर
गई बेटी, तेरा इंतजार कर रहा था, तैयारी बैठा हूँ बाहर जाने को। तारा जल्दी से चाय वाय बना इंदु के लिए, बेचारी थकी हुई आई है। जी बाबूजी। केले लाई है। इतना ख्याल रखती है मेरा, तेरी माँ भी बड़ा ख्याल रखती, तू ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। लेकिन बेटी मुझे तेरी बड़ी चिंता है। बाबूजी, मैंने कितनी बार समझाया आपको कि मेरे जीते जी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबूजी, आप ही तो कहा करते हैं कि मैं आपकी लड़की नहीं लड़का हूँ, ये लीजिए। अरे ये क्या, तू तनख्वाह ले आई पर मुझे क्यों दे रही है, तू रखता अपने पास। अरे नाराज हो गई, ला थोड़े से रख लेता हूँ, लपका चंदा वंदा दे रहा है कुछ रख। बेटी आज नीचे का मकान मांगने वालों ने मुझे तंग कर दिया, जैसे कोई मैं ही मकान मालिक हूँ। शहर भर के छड़े मलंग एक तरफ और मैं एक तरफ, देखता हूँ कैसे लेते हैं मकान। भाई तुम लोगों में ये बहुत बुरी बात है, गली को साफ रखोगे और घर में कूड़ा इकट्ठा करोगे। ओह बड़े बदतमीज होते हैं ये ऊपर रहने वाले भी। क्या कहा, कौन बदतमीज होते हैं साहब? अच्छा तो आप भी रहते हैं ऊपर? जी हाँ, कुछ इतराज है आपको? जी नहीं, लेकिन आप लोगों पे कूड़ा करकट क्यों फेंकते हैं? जी हाँ, अजी तो लोग कूड़ा करकट फेंकने की जगह खड़े क्यों होते हैं? मैं पूछ सकता हूँ आप लोग यहाँ क्यों तशरीफ लाए? जरूर पूछ सकते हैं, हमने सुना है कि ये नीचे का मकान खाली है। जी हाँ। अच्छा तो आपको भी मकान की तकलीफ है, मैं अभी हाजिर हुआ। हाँ तो पहले ये बताइए घर आपको चाहिए या आपको? जी आपको, मेरे पास तो घर भी है और घरवाली भी। साहब ज्यादा तुम्हें किसी ने बहका दिया? जी यानी मकान खाली नहीं? खाली तो है मगर बेहद मनहूस है। मनहूस? हाँ हाँ, देखिए ना, एक साहब आए तो उनकी नौकरी छूट गई, और दूसरे साहब आए तो उनकी घरवाली चल बसी, और तीसरे साहब आए तो जानते हैं क्या हुआ? क्या हुआ? किसी से कहिएगा नहीं, वो खुद मर गए। और वैसे भी क्या आराम है, गर्मी में छत टपकती है, बरसात में धूप पड़ती है, नहायत गड़बड़ है जी? और पानी की तो सख्त तकलीफ है, ये समझ लीजिए ऊपर का नल खोल दें तो एक बूंद नीचे पानी नहीं आए। आप लोग किस झंझट में पड़ रहे हैं, मैं तो खुद पछता रहा हूँ। अरे तारा दरवाजा बंद कर ले। अजी साहब आप खड़े क्यों हैं, इधर जाइए, मैं छज्जू मल का छत्ता है, बहुत से मकान मिलेंगे, बहुत मकान मिलेंगे। जय राम जी। अजीब बदतमीज लोग हैं, केले खा लेते और छिलके फेंक देते और ऊपर से हंसते। तो दांत निकाल रहे साहब आप? जी आप इनको केले के छिलके फेंके थे? ठीक है, मेरा छिलका था मैं फिसल गया, आप तो नहीं फिसले। दो पैसे का अखबार पढ़ेंगे और मोहल्ले भर में रोज जाएंगे, साथ साथ टीवी को भी बैरिस्टर बना रहे। क्या है? हाँ भाई मूर्छित, तुम्हारे बगैर तो दरअसल मजा नहीं आ रहा है। ये बताओ क्या खेल रहा हो रमी? अजी मूलचंद वही पुराना खेल। आओ एक आने पॉइंट फिर मेरा भी बाकी। अरे भाई छोकरे यार एक कॉफी ले आ। देखो भाई तीन मिनटों पे बीमारी था, पहले आप मेरा हिसाब। मैं आपका हिसाब पुख्ता करने के लिए तैयार हूँ जब तक कि वकील साहब। अजी ये मैं नहीं जानता रे चंद्रभान जी, ये बात क्या? नहीं क्या भूल जाऊंगा। बहन जी
मैंने कहा 9:30 बज गए और बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। वो तो हमेशा देर से आते हैं। मंगल आ गया तुझे लेने? नहीं, आज तो अभी तक वो भी नहीं आए। मालूम नहीं क्या बात है। अरे तो अकेले कैसे जाएगी तू? जहाँ वो काम करते हैं ना बहन जी, वहीं चली जाऊंगी। फैमिली प्लानिंग सबके घर। अच्छा, मैं खिला दूंगी बाबूजी को। ठीक है, सुबह जल्दी आना तारा। अच्छा। अरे वाह, आज तो ही आ गई। मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। एक मिनट में आया, जरा मालकिन से पूछ लूं। ओहो, कैसे खुशहाल हो सकता है देश, कैसे बेकारी दूर हो सकती है देश की। रवि जी, एक मरता है 10 पैदा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इस देश की आबादी। हाय हाय, बच्चे औरों के पैदा होते हैं, फिक्र इन्हें होती है, जैसे कि सारों को खिलाने का जिम्मा इनका ही है। अरे भाई, सरकार पर तो है। अरे तो सरकार फिक्र करे, तुम क्यों फिक्र करते हो? सरकार कौन है? तुम और हम, जनता का राज है मेम साहब, जनता का राज है। माफ करना बाबू साहब, बच्चे भी जनता के ही पैदा होते हैं, तुम क्यों दिमाग खराब करते हो? मैं दिमाग खराब नहीं कर रहा, तुम जैसे पागलों का इलाज करना चाहता हूँ। क्या कहा, मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या, पागलों के सींग होते हैं। जी कमाला यार, तुम तो झगड़ा करने लगे। यार ये जिस बात को समझते नहीं उसमें भी टांग अड़ाते हैं। क्या गलत कहा मैंने? अरे सही क्या कह दिया तुमने? भाभी तुम ही खामोश रहो। इन्हें चुप करा, इन्हें चुप करा। अच्छा तो दोनों लाठियां पकड़ लो, मैं चलता हूँ। अरे नहीं यार, कहाँ जाता, अभी 11 ही तो बजे। होटल ही तो जाना है तुम्हें, बैठो ना। अरे मंगल, तू क्यों खड़ा है यहाँ पे? मैं जाऊँ बीबी जी, रात के 11 बज रहे हैं। आ जा जा जा। अरे बिना पूछे कैसे चला जाएगा? खैर मंगल, काम सारा खत्म हो गया? हाँ बीबी जी। अच्छा देख, मेरी सब साड़ियों पे इस्त्री करके जा। जा। अच्छा बीबी जी, सुन लिया रवि जी, रात के 11 बजे साड़ियों पे इस्त्री करवाई जाती है। हाँ कीजिएगा, मुझे आपकी तरह झोले पहन के नहीं घूमना, समझे? ये झोला है। और नहीं तो क्या? जनता का लिबास है। अरे कहाँ चला गया? अरे भैया जी, तुम्हारे झगड़े में तो मेरे 12 बज जाएंगे यार। अरे बैठ 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 यार, बैठ तो सही। बैठो ना, बैठ जा बैठ जा। ओहो, खड़े खड़े सो गए? जानते नहीं, घंटे भर से खड़ी हूँ। हाय हाय, फिर तो पांव दुखने लगे हैं। ले बैठ। लेकिन आज तो आई खूब। रोज तुम लेने आते थे, आज मैं आ गई। अरे तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मैं। हाँ ना, मोहल्ला तो जैसा है वैसा है ही, मगर इस सड़क का भी जवाब नहीं। लो उतरो रानी साहिबा, महल आ गए आपका। देखो सारा मोहल्ला सो गया, बड़ी देर कर दी तुमने। और क्या करूं, मालकिन के आगे मैं खुद परेशान। काम पे काम दिए जाते, काम पे काम दिए। अरे तो छोड़ क्यों नहीं देते उसकी नौकरी? थक जाते हो काम करते करते। अरे तुझे देखकर सारी थकान दूर हो जाती। चलो मजाक ना करो, सच कल से काम बंद करो। अरे काम छोड़ दूंगा तो खाऊंगा क्या? क्यों, मैं कमाऊंगी और तुम खाना, राज करना बैठे बैठे। बहुत अच्छे, रानी साहबा तो करेगी काम और मैं गुलाम बैठा राज करूंगा। ए शर्म नहीं आती औरत का गुलाम बनते हुए? राजा तो तुम हो राजा, गुलाम तो औरत होती। चल बगली, औरत होती है रानी। अच्छा तुझे मेरे गले की सौंप, सच बताना है ना मेरी रानी? चलो अरे पानी ना तारा। इंदु बेटिया, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा? मालूम नहीं बाबूजी, सुना है नीचे कोई किराएदार आया है। किराएदार? हाँ बाबूजी, कोई छोकरा सा है। छोकरा सा? किसकी शामत आई है जो मेरे होते नीचे नया किराएदार आ गया? जरा दर्शन तो करूं बेटा के। बाबूजी, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। कोई पढ़े लिखे साहब मालूम होते हैं। अजीब उल्लू का पट्टा है, घड़ी खुला छोड़ के चला गया। कौन है भाई बाथरूम में? मैं हूँ। अरे मैं तो सभी होते हैं,
बाहर निकल के अपना मुंह दिखाओ। दीजिए, देख लीजिए। अच्छा, तो आप आ ही गए आखिर का। जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? तो आराम भी कौन सा हुआ, तुम्हारे आते ही ऊपर का पानी बंद हो गया। पानी बंद हो गया? अजी तो आप ऊपर का नल खोल दीजिए, नीचे बंद हो जाएगा। बेवकूफ समझते हो, ऊपर का नल खोलने से नीचे का पानी बंद होगा? श्रीमान, ये कायदा आदमी ने तो बताया था। जब बताया था तो बताया था। लो हटो, रास्ते में से हाथ धोने दो। ओहो, हाँ, तो क्या नाम है आपका? रविशंकर चौबे। और आपका? मिस्टर मूलचंद छब्बे, ऑनररी सेक्रेटरी जॉली क्लब। देखो बेटा, दूसरों के आराम का भी ख्याल रखना चाहिए। जी, आपको भी दूसरों के आराम का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझा के ऊपर से लाया था। हो जाता है कभी कभी। हाँ, हो जाता है। कहिए तो एक साबुन ऊपर भिजवा दूं? भिजवाइए किसी अपने ससुरे को। जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे तब से साबुन से हाथ धोता हूँ, समझे? अपने तो सात पीढ़ी में भी किसी ने पट्टी से हाथ नहीं धोया। बेटी, एक भूत आ गया नीचे, पर मेरा भी नाम मूलचंद है। वो मंत्र पढ़ूंगा कि थोड़े दिन में भागता नजर आएगा। ले तू जल्दी से नहा ले, मैं बाजार होकर आता हूँ। बाबूजी बाहर जा रहे हैं, दरवाजा बंद कर लेना। शायद आपको नहीं मालूम कि मैं नहा रहा हूँ। सुबह से नहाना ही चल रहा है आपका? जी हाँ। यूं भैंसों की तरह नहाना है तो किसी नदी या तालाब में जाके डूबिए। अच्छा जी, तो मैं भैंसा हूँ और आप क्या हैं? मुंह संभाल कर बात करो जी। पहले आप मुंह संभालिए। ए बाबू, ए हाथ छोड़ के बात कर। बाबू जी, ये सब क्या तमाशा है? और तुम यहाँ नीचे क्या कर रही हो? देखो बाबू जी, एक तो ये सुबह से नल नहीं बंद करते और ऊपर से झगड़ते हैं। जो भाई नए किराएदार, ये क्या बदतमीजी है? लड़कियों से मुजोरी करते शर्म नहीं आती? अजी, तो क्या आपसे मुजोरी करूं? चुप, झगड़ा तो आपकी बेटी कर रही है। जरा थैला थाम लो, अभी इसकी निकालता हूँ।
तेरे ही जैसे गुंडों के लिए ये डंडा हमेशा हाथ में रखता हूँ। ए महाशय, जरा जबान को लगाम दीजिए। किसे कहा आपने गुंडा? मैं तो बुड्ढा समझ के लगा होगा तेरा बाप। कुश्ती लड़के देख ले कौन है बुड्ढा। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। चले बाबूजी ऊपर चले। बेटी मैं कोई डरता हूँ, देख लूंगा तुझे कितना पानी में फेंका। जी जाइए जाइए, मैं भी देख लूंगा आपको। क्या देख लेगा तू? आप क्या देख लेंगे? मैं देख लूंगा तू इस घर में कैसे रहता है, और मैं देख लूंगा कि मुझे इस मकान से कौन निकालता है। जाइए पेटी कोट बदल के आइए अपना। पेटी कोट? तू भी अंगोछा बदल कर आ, देख शर्म करेगा। अरे तू या तो चल ऊपर खबर बना के मुझे पैर। दुनिया भर के लफंगे चले आते, मकान चाहिए मकान मकान से वापस। क्या है? क्या है? अभी भी हालत की बूंद नहीं आएगी ऊपर। लेकिन हम भी ऐसी तरकीब करेंगे कि मिस्टर की अकल ठीक हो जाएगी। कर्ज मोड़ी बंद और आए क्या चूस ले कपड़ा, ये ले चल जल्दी कर।
बहुत गरजने वाले। गीदड़ शेर नहीं हो सकता, गीदड़ शेर नहीं हो सकता, शेर की खाल पहन के हो गए चौपट सभी इरादे, आज किसी के मन के इरादा है तो इस किताब को पहले जरूर पढ़ लेना, इसमें फैमिली प्लानिंग पर वो बात यार पहले से पूरा तो करो तुम। अरे अब वही एक महीने में खत्म कहाँ जा रहा है, बस वही घुड़सवारी। अपने तो प्यारे दो ही शौक हैं, ये तैरना ये घोड़े पे चढ़ना। अरे कभी देश की चिंता भी किया करो, मसलन ये देखो अब बच्चों की तैदाद का जो मसला है। मालूम नहीं क्यों चिल्ला रही, अब ये भैया जी मसला इधर है इधर नहीं। क्या है? मेरी ये साड़ियाँ अपनी अलमारी में रख लो। हैं? क्या कहा ना, मेरी साड़ियाँ अपनी अलमारी में रख लो क्या? अरे तो तुम अपनी अलमारी में क्यों नहीं रख लेती? मेरी अलमारी में जगह नहीं है। ओफो, तो मेरी अलमारी में भी कहाँ जगह है, ये देखो है जगह। थोड़ी सी किताबें निकाल कर बाहर रख दोगे तो क्या दीमक लग जाएगी? और तुम अपनी साड़ियाँ अगर बाहर रहने दोगी तो क्या कीड़े लग जाएंगे? हाँ कीड़े लग जाएंगे, रंग उड़ जाएगा, इस्त्री बिगड़ जाएगी। बहुत अच्छा, रख लो अपनी साड़ियाँ, लगा दो इनमें हाथ, फेंक दो मेरी किताबें, ये लो और लो। हाँ हाँ मुफ्त का माल है, चौराहे पर जाकर फेंको ना मंगल। ओफ हो, ये क्या पागलपन है भाई, जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहते हो। मैं नहीं, ये झगड़ते, ये तुम झगड़ती हो, तुम तंग आ गया मैं शादी करके। किसने कहा था तुमसे शादी करने को? तुम्हारे बाप ने कहा था। तुम्हारे बाप ने क्या मंजूर किया? ओफो, दोनों के बापों का कसूर है, बिना पूछे शादी कर दी, फांसी डाल दी मेरे गले में रो बैठ के। अरे भैया जी अब तो शादी हो गई, अब क्या हो सकता है, चलो किताबें ही उठाओ। हटो यार। अरे भैया जी गुस्सा मत करो, किताबें तो आपकी, वो देखो शाबाश उठालो उठाओ शाबाश शाबाश। भाभी चलो तुम भी मदद करो भैया की। भाभी क्या बात है मालकिन? मंगल हाँ? वो मेरा बैग है ना, उसे मेरे घर पहुंचा दे जी। वो टूटे खून के पास बहीलाल की बिल्डिंग है। वो मैंने देखा है बाबू जी, ऊपर मूलचंद बाबू के यहाँ मेरी औरत काम करती है। वो तेरी औरत है जी? अरे वो तो बड़ी झगड़ालू। क्या बात करते हैं बाबू जी, मेरी तारा तो देवी है देवी। अरे हाँ हाँ मैं तारा के लिए बोल रहा हूँ, वो तो मूलचंद की लड़की की तरफ से रोज मेरे साथ झगड़ा करने आती है। ये बात है हाँ? आज ही ठीक कर देता हूँ उसे। लेकिन बात क्या हुई थी बाबू जी? इधर आओ,
बात यह है कि जब नीचे का नल खोलता हूँ तो ऊपर पानी नहीं जाता, और जब वो खोलती है तो मेरा हाथों से मुझे लगेगी भला, जैसे मेरे हाथ से तुझे नहीं लगती। बोल लगी। चलो तुम बड़े वो हो। पर तुम यहाँ कैसे आए? अरे इस घर में जो बाबू रहते हैं ना, वो मेरे मालिक के दोस्त हैं। खबरदार, अब उनसे कभी झगड़ा नहीं करना। मैं कहाँ झगड़ती हूँ, वही लोग तो आपस में लड़ते हैं। पर अब तो सुलह हो गई मैं जान। हो गई सुलह? अरे सभी लड़कियां ऐसा ही करती, पहले झगड़ा फिर सुलह और फिर शादी। अपना झगड़ा याद है शादी से पहले? ये बड़ा पत्थर लेके भागी थी तालाब पर मेरे पीछे क्यों? अरे ये क्या कर तू, ये कोई अपना घर? अरे अरे कहाँ चले? घर सोना पड़ा है मालिक का, बहन जी अभी तो स्कूल से नहीं आए। नहीं आए? और वो बुड्ढा? वो तो क्लब गए हैं। क्लब गए फिर क्या फिक्र है? आप बैठ, फिर किसका डर है? तो अपना ही राज। हाँ जी, फिर क्या पैसे पाए? वही एकाना पॉइंट यार, रोज क्या पूछते हो? नहीं यार, आज तो चार आने पाए। चार आने? मूलचंद जी, लड़की की तनख्वाह बढ़ गई है क्या? मुंशी जी, लड़की नहीं लड़का है वो मेरा, लड़का का लड़का हार। अजी मजे हैं इनके तो, लड़की कमाती है और ये खाते हैं, ये देखा, इसीलिए तो उसकी शादी नहीं करते। अरे तो तुझे इसकी क्या चिंता है, लड़की मेरी है, शादी करूँ ना करूँ इसीलिए तो शादी नहीं करते। काटू जी, दुनिया भर की लड़कियों की सही फिक्र है। मिशी जी जरा हट के जेब काटोगे क्या? अजी मेरे पत्ते किधर है? अबे यार अंधे हो, छह तो आज। अरे आप तैयार नहीं बाबूजी? आज तो आजादी का दिन है, जलसे में नहीं चलेंगे? अरे अब मैं तो पैदा ही आजाद हुए, लेकिन ये नीचे आ गया ना अपनी आजादी का दुश्मन। तू जा, मैं नहीं जाऊँ। नमस्ते। नमस्ते। मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं आपके पीछे? अजी मैं तो आपसे ये पूछने वाला था कि आप मेरे आगे क्यों जा रही हैं? तो जाइए ना, आपको जहाँ जाना है। बहुत अच्छा। तांगे वाले? नहीं, ये तांगा मैंने लिया है। तो चलिए मैं पहुँचा दूँ आपको जहाँ जाना है। ए मिस्टर,
जी तो क्या आपने तांगा खरीद लिया है? जी हाँ खरीद लिया है। चलो सीधा। बहुत अच्छे। गगन गूंजता नारों से मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वत हो यहाँ, काट रहे जनता की जेबें वतन के दुश्मन चोर यहाँ। सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जाता जो यहाँ, जागते रहना है नेताओं खतरा चारों यहाँ। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। भारत माता के बेटो, ऐ भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस टोली को। ऐ भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पर दूर करो उस टोली को। कभी न जलने देना फिर से भेदभाव की होली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जागो तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है, जागो तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है। जागो
लाखों लोगों की तकदीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है। कश्मीर की रक्षा करनी है। होशियार तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। आती है आवाज यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। नमस्ते जी। नमस्ते। आप घर नहीं चलेंगे जी? मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? जी हाँ, मैंने आपको गलत समझ लिया था। शुक्रिया। चलिए आपको इसी बात पे चाय पिलाऊं। चाय? जी हाँ जी। बात यह है कि मैं आज ही नया स्टोव लाया हूँ, नए बर्तन लाया हूँ और नई चाय लाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में बनी हुई पहली चाय आप पी। लेकिन आपके घर में? अजी चलिए ना, आखिर उसमें हर जी क्या है, हम पड़ोसी हैं कि दुश्मन थोड़ा ही। चलिए ना। आइए आइए ना। बैठिए आप बैठिए, मैं अभी चाय बनाता हूँ। आप बनाएंगे चाय? जी हाँ, और कौन बनाएगा, अकेला आदमी ठहरा। मैं नौकरों का किल्लत नहीं पालता, स्वयं सेवक हूँ ना। बस एक मिनट में चाय तैयार हो जाती, आप बैठिए। तो बनाऊंगी। आप बनाएंगी चाय? जी। तो फिर मैं क्या करूंगा? आप गाना गाइए। इतना पसंद है आपको मेरा गाना? तो फिर कल झाड़ू फेंक के क्यों भागी? हटिए ना, मैं जिस कहा है। ये पहली चाय मैं पीऊंगी ना, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी। अब मैं कैसे मना कर सकता हूँ? और फिर ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे किचन की ओपनिंग सेरेमनी आपके हाथ से हो रही है। ओपनिंग सेरेमनी? जी हाँ। देखिए ना, किसी संस्था का उद्घाटन कोई लीडर करता है, किसी का कोई मंत्री, और मेरे किचन का उद्घाटन आपके हाथों से हो रहा है। चाय, शक्कर, पानी और दूध लाता हूँ। देखिए, नल खोल सकता हूँ म्युनिसिपैलिटी का? उस दिन नल वाली बात याद है? रविशंकर जी, कहिए क्या हाल चाल है? ओ बाबूजी, आप हैं?
कहिए कैसे हैं? अच्छे तो है ना भाई? ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू को लिया। बहू? इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं तो इसलिए डरता था, मैं समझा था तुम कोई छड़े मलंग हो। बाबूजी दरअसल बात भाई, हम तो ये जानते हैं घर तो घरवाली के साथ है, वरना तो सब भूतों का डेरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहू ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। भाई भूतों दिखाओ घरवाली का। क्या पर्दा करते हैं? जी वो भाई मुझसे कैसा पर्दा, मैं तो उसके पिता के समान हूँ, पर हम चाय जरूर पी कर जाएं। अरे ये छाता और पर्स तो मेरी बेटी का है। जी हाँ ये चीजें आपकी बेटी की तो हैं। है? ओह बहू का है भाई, आजकल का कुछ ऐसा फैशन ही हो गया। लेकिन लेकिन, लेकिन क्या करता है यार, चाय मंगवा। चाय? ओह बहू, बाबू जी आप बैठे, मैं लेके आता हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए। देखो शक्कर ज्यादा और बिस्कुट नमकीन। चाय शक्कर ज्यादा और बिस्कुट नमकीन। बाबूजी चाय में कुछ देर लगेगी। कोई बात नहीं मैं बैठा हूँ, आप ऊपर चलिए मैं भिजवाता हूँ। यार क्यों चकमा देते हो बेटी, ये कैसा कंजूस है तेरा घर वाला। बाबूजी आप किसे कह रहे हैं बहू? बहू इंदु तू यहाँ क्यों आई? ए मिस्टर ये इंदु यहाँ क्या कर रही थी? मेरे किचन का उद्घाटन कर रही थी। ये? चाय बना रही थी साहब। क्या मतलब, मेरी बेटी आपके घर में चाय बना रही थी? आप मुझे गधा समझते? ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। ला ये छाता और देख, लफंगा कहीं का। तो आप ज्यादा, ये शरीफों का मोहल्ला है, मन्नू का टीला नहीं है। चले आते हैं हरे गहरे नथु कहरे, जिसके जी नहीं आता है कपड़े पहनते लीडरों के और कर्म करते बदमाश। ए मिस्टर कान खोल के सुन लो, दोबारा ऐसी चाय पार्टी हुई तो खोद के गाड़ दूंगा। मैं पुरो के साथ बहुत बुरा आदमी हूँ, आया समझ में? ताला, ओ ताला की बच्ची। इंदु ये क्या बेहुदा हरकत है, कब से जाने लगी है तू उसके घर में? मैं पूछता हूँ कि आखिर तेरा इरादा क्या है? बाबूजी आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, क्या समझते होंगे वो अपने मन में। अरे अरे तू रोने लगी, मुझे क्या पता था कि तू है रसोई में, अनजाने में न जाने क्या क्या पक गया। जाने दे बेटी, मैं तुझे कहीं आने जाने को मना थोड़े ही करता हूँ, पर वो आदमी जरा लफंगा सा दिखता है, उससे ज्यादा मेलजोल बनाना ठीक नहीं, समझी? Thank you.
से मेरे मन में उतरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। जन्म की कोई पहचान हो तुम, ढूंढता था जिसे दिल क्या वही मेहमान हो तुम, ढूंढता था जिसे दिल क्या वही मेहमान हो तुम। अपनी मुस्कान से पागल मुझे करने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको, किस तरह आज क्यों ललचा रहे हो तुम मुझको, किधर उड़ा के लिए जा रहे हो तुम मुझको। बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको, बात वो क्या है जो समझा रहे हो तुम मुझको। चुपके चुपके मेरी दुनिया को बदलने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो तुम कौन हो, बोलो तुम कौन हो। अरे आज तो बड़ी जल्दी क्लब से वापस आ गए आप। आ गए था आपको मतलब पैसे भूल गया था, लेने आया हूँ। जब होता है टोकते रहते हैं, बकाना चलती नहीं, जवान जगाते रहते हैं। आप जाइए ना, मैं लाती हूँ। अच्छा जी, आप ही ले आइए। इस वक्त अगर तुम्हारे बाबूजी आ जाएं तो कैसी रहे? वो कैसे आएंगे, वो तो क्लब गए। मान लो आ जाएं, भाई हमें तो बड़ा डर लगता है। मालूम है उस दिन कह रहे थे, ए मिस्टर फिर ये चाय पार्टी तो खोद के गाड़ दूंगा, अगर सचमुच कहीं फावड़ा लेके चले हैं तो अपना तो बोलो ही राम। अच्छा तो अब मैं जाती हूँ। बैठो तो, आज मुझे तुमसे कुछ खास बात कहनी है। बैठो। बात ये है इंदु के, बात ये है। आज तो अब इतने धीरे क्यों चल रहे हो? पहले ये फैसला कर लो कि मुझे धीरे चलना है या तेज चलना है। अच्छा तब दूसरे के घर में तो मत झगड़ो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते भैया। कुछ मत पूछो रवि जी, इनके मारे तो मेरे नाम। अभी इंदु, ये मेरे मित्र हैं मिस्टर रेवती शरण वर्मा, फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट, और ये इनकी धर्मपत्नी रोहिणी देवी। अरे मैं इनसे भी तो परिचय करा। हाँ, ये मिस इंदु बाला,
ऊपर रहती है ऊपर। अच्छा तो आप ही हैं जिनसे नल के बारे में झगड़ा हुआ करता है। अच्छी बात में कुछ समझते नहीं, देखते नहीं या सुला हो गई है। क्यों रवि जी? अच्छा तो अब सुलह हो गई है। ताला, ओ ताला, इंदु कहाँ है? कहाँ है इंदु? मुझे मालूम नहीं बाबूजी। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ जहाँ वो गई है। मुझे मालूम है जहाँ वो रोज जाया करती है। मैं उसे लड़की नहीं लड़का समझता था, हर तरह से आजाद रखता था। नहीं देनी चाहिए लड़की को इतनी आजादी। कह देना इंदु से मुझे उसका कहीं आना जाना पसंद नहीं। हमें कोई मतलब नहीं किसी पड़ोसी या मोहल्लेदार से। अब आते रवि, ये ऊपर कौन चिल्ला रहा? अब इतना भी नहीं समझते लड़की का बाप होगा और कौन। लेकिन तुम फिक्र मत करो रवि जी, मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम क्या ठीक कर लोगी? अब तुम्हें क्या बताओ मैं क्या ठीक कर लूंगी। अरे आखिर कुछ पता तो चले कि तुम्हारा क्या इरादा है। मेरा इरादा मालूम हो? चलो चाय पियो। चाय मैं नहीं जाना चाहूंगा। मत पियो। बाबूजी आपने बड़ा अच्छा किया, आप यहाँ आ गए। बात ये है हम इनकी सालगिरह हर साल मनाते हैं। अगर फैमिली प्लानिंग मैं तो ऐसे मौके ढूंढता ही हूँ। हाँ भाई रवि, अरे तुमने तो बड़ी देर कर दी। बैठे भाभी जी। थैंक यू रवि। बाबूजी ये मेरे दोस्त मिस्टर रवि। जानता हूँ, मेरे नीचे ही तो रहते हैं। बैठो रवि। बैठो बैठो। मंगल शरबत लाओ। शरबत पे ही डाल रहे हो, खाने पीने का क्या प्रबंध है? सब प्रबंध किया है बाबूजी। आप आइए तो, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। पहले खाना पीछे दूसरी बात। आइए तो सही है, आइए। रवि जी बर्थडे नहीं है? अच्छा, मेरे खाने का स्पेशल इंतजाम किया है। ठीक है, वहाँ लोगों में बैठ के खाया भी नहीं जाता, यहाँ एकांत में बैठ के आनंद से खाऊंगा। बाबूजी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ करो करो। लाइक में सभी जरूरी बातें खाने के टेबल पर होती हैं। देखिए रवि शादी करना चाहता है। हाँ तो करे शौक से, बरात में मुझे भी ले चलना। लेकिन बाबूजी इसमें आपकी रजामंदी होनी जरूरी है। अरे भाई मैं कौन होता हूँ, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अजीब, इंदु से शादी करना चाहता है? इंदु से? मेरी बेटी से? जी जी, वो इंदु भी उससे शादी करना चाहती है। इंदु भी उससे शादी करना चाहती है? ठीक है, कमा हुआ है, सयानी है, करे जो उसकी मर्जी में हो। लेकिन बाबूजी मर्जी तो आपकी भी होनी चाहिए। तो मेरी मर्जी तो ये है इंदु उस लड़के से शादी करे जो घर जवाई बन के रह सके, मेरा ख्याल रखे। रवि भी आपका ख्याल रखेगा, घर जवाई बन के रहेगा। हाँ बाबूजी देखिए ना, बिल्कुल अकेला है दुनिया में, उसका कोई नहीं। अकेला है दुनिया में, उसका कोई नहीं। कोई नहीं तो फिर हर बार जी। अच्छा देखिए साहब, पहली बात तो ये है कि इंदु के सिवा दुनिया में मेरा और कोई नहीं है, वो ये घर छोड़कर और कहीं नहीं जाए। और दूसरी बात है ये कि घर का सारा खर्च वही चलाती है, मेरी सारी जिम्मेदारियां उसी ने उठा रखी। अजी साहब तो ये भी आपकी सारी जिम्मेदारियां संभालने को तैयार है, आपको कोई तकलीफ ना होगी। बल्कि इंदु बहन को नौकरी करने की भी तकलीफ नहीं रहेगी। जी नहीं, नौकरी वो जरूर करेगी। लेकिन बाबूजी ये तो मुझे पसंद नहीं कि मेरे होते हुए नौकरी करे। और ये मुझे पसंद नहीं कि मेरे होते हुए वो नौकरी ना करे। लेकिन साहब ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा। बाबूजी सुनिए तो, इसमें सोचने की कौन सी बात है, आप इंदु पर छोड़ दीजिए, जैसा वो मुनासिब समझे वैसा करे। क्यों? मंजूर है बेटी, तू खुद ऊंच नीच समझती है, जो ठीक समझे सो कर। लो साहब ये बात तो हुई, अब रही लेन देन की बात, वो कान खोल कर सुन लीजिए, मेरे पास देने को थेला नहीं है और होगा तो दूंगा नहीं। लेकिन बाबूजी आपसे मांग कौन रहा है? आई सी, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि शादी के लिए नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है। जी बात ये है कि वो यही चाहते हैं। वो तो न जाने क्या क्या चाहेगा, मगर मैं यही कहूंगी कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। खैर तुम्हारी मर्जी, लेकिन स्कूल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे,
जरूरत पड़े तो वापस आ सकती हो। थैंक यू। अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मिस इंदु कल के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इंदु, तुम सचमुच शादी करने जा रही हो? हाँ मनोरमा। समझौता और समर्पण वाली बात याद है ना? याद है। तो जरा अच्छे से याद रखना उसे। तो शायद अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ये सब लड़कियां तुम्हें बहुत याद किया करेंगी। नहीं पड़ा, खर्चा बढ़ गया और लड़की ने नौकरी छोड़ दी। हाँ भाई, इन दोनों ने नौकरी क्यों छोड़ दी? अबे 400 रुपए महीना कमाता है मेरा दामाद, क्या जरूरत है उसे नौकरी की? पत्ते बांटो। अरे तुम तो ऐसे आ गए, लो जल्दी से बदन पूछो, ठंड लग जाएगी। लेकिन तुम भी तो जल्दी तैयार हो जाओ, पिकनिक में देर हो रही है। अजी ये बास्केट वास्केट मैं ठीक कर लूंगा, तुम तैयार तो हो जाओ। तुम कुछ मत बोलो, चुपचाप देखते जाओ। ओफो, अजी तुम मेरी बीवी हो के थानेदार, बड़ा हुकुम चला रही हो। हुकुम चलाने के लिए तो नौकरी छोड़ी। देखो ये पैन पहनना और ये मफलर, ये है जरूर लेना, वहां धूप पड़ेगी। अजी मेरे लिए भी तो कोई काम छोड़ दो। तुम्हारा काम ऑफिस में, हमारा काम घर में। चलो कमीज पहनो। कमाल है, तुम तो हुकुम चलाने की बजाय सेवा करने लगी है। औरत तो घर की रानी होती है ना, वो हुकुम चलाती है और सेवा भी करती है। सीधे खड़े रहो। अच्छा तो रानी साहिबा, जरा शीघ्रता से तैयार हो जाइए, रास्ते में से रेवती और रोहिणी को भी लेना है। बहुत अच्छा। अजी मेम साहब इस तरफ कहाँ चली, बाथरूम तो इधर है। हम अभी आते हैं, इंतजार करो। अरे भाई रोहिणी, मेरे तैरने कपड़े भी ले लेना। अगली वक्त पर याद आती है, तुम्हें खुद ही निकाल
कर लो ना। भाई मैं काम कर रहा हूँ। हाय हाय, तो मैं कौन सी बेकार बैठी हूँ? कौन से पत्थर तोड़ रही हो? अब तुम कौन सी सड़क टूट रहे हो? जाओ अपने आप निकालो। ले आओगी तो क्या दुबली हो जाओगी? अब तुम क्या घिस जाओगे? मैं कहता हूँ जबान मत चलाओ। मैं कहती हूँ तुम हुकुम मत चलाऊंगा। पति हूँ तुम्हारा। अब मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं, समझे? अजी सारी दुनिया जानती है कि आप दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन ये कहाँ समझती है? हाँ हाँ, तुम तो समझते हो जैसे मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। रोनी बहन, अगर स्त्री पति के चरणों की दासी है तो पति के हृदय की स्वामिनी भी है। अजी स्वामिनी ही नहीं, पति के हृदय की देवी है और पति उसका पुजारी है। भाभी दोनों को एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। देखो अभी घर में कभी भी गुस्सा आए तो फौरन शांति मंत्र का जाप कर लेना। भैया जी बोलो शांति 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 शांति। देखो रंग तो बहुत बिगड़ा हुआ है लेकिन दोनों को इसी हालत में पिकनिक पी ले चलते हैं और बाग की ठंडी हवा खा के दोनों का दिमाग ठीक हो जाएगा। जी हाँ। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। अरे रूठो न सिस्टर, मान जाओ मिस्टर, मिलके रहो संसार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। सुनो श्रीमान जी, लड़ना तो मैडम है एक लड़क बन, इसमें बड़ा नुकसान जी। हाँ सुनो सुनो श्रीमान जी, क्यों बैठे हट के मुखड़ा पलट के, फिर से बंधो एक तार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। झगड़ों ने राजा लाखों घरों को उजाड़ा। ये थे चतानी, अच्छी नरानी, घर को बनाओ ना अखाड़ा। अरे छोड़ो ये गर्मी, आने दो नरमी, छोड़ो ये गर्मी, आने दो नरमी, उससे के तीखे खुमार में। जरा तो आके देखो मिला के बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। कंट्रोल करो अपनी अकड़ पे ब्रेक लगाओ जी, झूठा बड़प्पन गोल करो। हाँ गुस्से पे कुछ कंट्रोल करो, झगड़ा न करना, डूबेगी वरना नैया कब
मंच धार में जरा तो आके देखो मिला दे बड़ा मजा है प्यार में ओ बाबू साहब ओ मेम साहब ओ बाबू साहब मेम साहब इंदु अरे तू लेटी क्यों है तबीयत तो ठीक है ना ठीक है बाबूजी हाँ ले बेटा ऐसा कर मुझे 25-30 रुपए दे रुपये परसों ही तो दिए थे बाबूजी अरे वो तो परसों ही खर्च हो गए थे ले जल्दी कर मुझे जा रुपया भी अजीब चीज है जेब में आने से पहले ही खर्च हो जाता है बस मैं लौटा दूंगा जी बच्चे लौटा दूंगा बेफिक्र रहे अरे इंदु क्या हुआ इंदु तारा ओ तारा जल्दी से डॉक्टर को बुला ना जाने इंदु को क्या हो गया अरे उससे क्या पूछ रही है डॉक्टर को बुला डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत नहीं बाबूजी तो फिर किसकी जरूरत है मैं भी कैसा कर रहा हूँ इतनी सी बात नहीं समझा अरे तू खड़ी क्या मुंह देख रही है बोला उस सबंधे को बड़ा दावा बना फिरता है अजी सुनते हो मैंने कहा कुछ सुना तुमने सुनने के लिए कहा क्या तुमने कहूँ क्या रवि और इंदु की शादी हमारे बाद हुई थी और वहाँ बच्चे की उम्मीद है बच्चे की उम्मीद है हाँ। रवि के बच्चे की उम्मीद है बड़ा नालायक निकला मेरा दोस्त होते हुए फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट का दोस्त होते हुए भी बच्चे की उम्मीद बेवकूफ कहीं का तुम जैसे बड़े अकलमंद हो शांति देखो मैं हूँ फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट अगर मैं ही इस योजना पर अमल ना करूं तो फिर मेरी बात कौन मानेगा मेरी किताब कौन पढ़ेगा देश की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिए सबको इस योजना पर अमल करना चाहिए अभी अपना देश खुद बच्चा है उसके समर्थ होने तक बच्चों की कोई जरूरत नहीं तेरे मालिक ने गलती की है अरे फैमिली प्लानिंग का दोस्त गलती कर सकता है नौकर नहीं मैं तो उन्हीं की सीख पर चलूंगा उनकी सीख का ख्याल है मेरा कोई ख्याल नहीं सारा औरत हूँ मैं औरत का दिल है मेरे सीने में मेरा जी नहीं तड़पता बच्चे के लिए बड़ी पागल अरे क्या मेरा जी नहीं करता बाप होने को मुझे भी बच्चा चाहिए पर सोचता हूं कहां रखेंगे उसे इस टूटे फूटे झोंपड़े में क्या खिलाएंगे उसे ये लोगों के बचे हुए टुकड़े और क्या बनाएंगे उसे अपनी तरह नौकर तारा अपने मुल्क में नौकरों की कमी नहीं और न बेकारों की कमी मेरे मालिक कहते हैं कि इस वक्त बच्चों की तादाद बढ़ाना मुल्क की गरीबी बढ़ाना है तारा मैं तो उस दिन तेरी गोद में बच्चे को देखकर खुश होऊंगा जिस दिन हमारी सरकार सब गरीबों के बच्चों को संभालने के काबिल हो जाएगी चल रोटी खा ले मुझे भूख नहीं मुझे भूख नहीं अरे तेरे नखरे मुझे भूख है और तुझे भूख नहीं अरे रेती शरण जी क्या हो रहा है आइए बाबूजी लीजिए मिठाई खाइए बाबूजी लड़का हो या लड़की अरे लड़की होने की कौन मिठाई बांटता है सुन लिया शांति बैठिए बाबूजी नहीं नहीं अब बैठने का वक्त नहीं है अब तो तुम भी कुछ मिठाई बांटने का इंतजाम करो छोड़िए ये रवि के लिए भेंट लेते जाइए रोहिणी जरा इस पे जल्दी से लिखना क्या लिखूं आज के हिंदुस्तान को बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं फुल स्टॉप ओ आशू आजा हमारे पास आजा आजा आशु अश्विनी कुमार आओ बेटे
इसको काला की तो सुन रहा है, माँ बन गई इतना नहीं जानती, नजर नहीं लगती काला की काला जाने। आओ बेटे आओ। नहीं वो हमारे पास बैठेगा, मेरे पास रहेगा। बैठो बैठो, ये लो ये लो ये लो। इंदु ये देख क्या लाया हूँ आशू के लिए। अरे तैरने के कपड़े अभी से ले आए। और क्या, अभी से सिखाऊंगा तभी तो बड़ा होकर मेरे जैसा तैराक बनेगा। तुम्हें और कोई डिजाइन नहीं मिला शहर में? अजी जब तुम्हें ही शहर में कोई दूसरा डिजाइन नहीं मिला तो मुझे कहाँ से मिलेगा। बेटे आशीष तैरने चलेंगे। अरे तो क्या सचमुच अभी से तैरना सिखाओगे इसे? बिल्कुल अभी से सिखाऊंगा। इतने से बच्चे को? अरे मूर्खो, मेरी इतनी उम्र हो गई, मुझे आज तक तैरना तो क्या डूबना भी नहीं आया। बाबूजी आपको किसी ने सिखाया नहीं होगा, वरना डूबना तो बड़ा आसान है। चलो बेटे तैरने चलेंगे। पागल हो गए दोनों के दोनों, कोई इनसे पूछे कि ये आदमी का बच्चा है या बत्तख का बच्चा है जो पैदा होते ही तैरने लगेगा। अरे जवान जवान, अरे अरे वहाँ कितना अच्छा तैरता है, कितना अच्छा तैरता है। अरे वो फूल, अरे फूल कितना अच्छा है। आशु मेरे पास आजा बेटे, आजा 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 शादी हमारी भी हुई थी, बच्चे हमारे भी हुए थे, पर इस तरह आवारा गर्दी कभी नहीं की, दिन भर घर में ही बैठे रहते थे। ओहो क्या वक्त आ गया, केले भी किनके मिलने लगे। अरे अरे नाना जी, अरे तुम मम्मी के लिए क्यों मर गए? तो क्या करते, जब बच्चे घोड़े पे बैठने लगे तो बुड्ढे झूले में बैठने लगे। अच्छा बाबा उतरता हूँ, तंग आ गया हूँ घर में बैठे बैठे। आप घूमने क्यों नहीं जाया करते बाबूजी? अब दिन भर घूमता ही रहूं तो क्लब में जाया करो। कौन आता है इस वक्त क्लब में? बाबूजी आप ऐसा कीजिए कि मैं आपके लिए कोई हल्का सा काम ढूंढ देता हूँ, जिससे आपका दिल भी लगा रहेगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। जी हाँ, ये मेरी उम्र काम कर रही थी तो है। बाबूजी आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैं सब समझता हूँ, मैं नौकरी करूँ, तुम घूमने जाओ, तैरने जाओ, घोड़े की सवारी करो, ये क्यों नहीं कहते कि अखरने लगा हूँ तुम्हारी नजर में? अरे भाई मेरे लिए कुछ खाना वाना बनाया है, भूख के मारे सब निकल रहा। बाबूजी बच्चों से ऐसी बातें नहीं करते, उनके दिल में डर बैठ जाता है। जी हाँ। हाँ बेटे
शाबाश, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। इनसे बोल दो गिरते हैं शहर सवार ही मैदान जंग में, और वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अरे नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते, ये तुम्हारे नाना जी है, बुढ़े हो गए तो क्या हो गया है, तो नाना जी ना बुढ़ा होगा तेरा बाप, तुमसे कह रहे हैं। चलो बेटे अब तुम चलो स्कूल चलेंगे और हम अपने दफ्तर चलेंगे, नाना जी से टाटा करो। टाटा टाटा टाटा। बेटी इसका दिमाग तो हो गया खराब, मेरे बाप ने तो ना मुझे कभी घोड़े पे बैठाया ना गधे पे, मस हाथी की तरह पड़ा रहता था। किसी क्या कर रही है, हंसने की क्या बात है? अरे भाई बच्चे को प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, एक ही तो बच्चा है, दुनिया भर की जोखिम में डालता फिरता है उसे, बुरा वक्त कोई कह के थोड़ी आता है। परसों वो जॉकी रेस में गिर के मर गया, खबरदार जो फिर बच्चे को कभी घोड़े पे चढ़ने भेजा, समझे? आशु आशु अभी तक आया नहीं स्कूल से। और बाबूजी? वो क्लब गए हैं। उनके लिए केले लाया हूँ। अच्छा? और अपने और आशु के लिए संतरे लाया हूँ। और मेरे लिए कुछ नहीं लाया? अजी ऐसे कैसे हो सकता है, आपके लिए तो चीकू लाया हूँ। चीकू? चीकू? पापा जी हम आ गए। अरे वाह, तुम तो नाम लेते ही आ गए बेटे, शाबाश, एक पपी कर दो। अरे वाह 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 वा, एक चीकू खाओ। नहीं ये नहीं। अच्छा लो संतरा खाओ। नहीं ये भी नहीं। क्यों? हमको भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? रहने दो, जब बच्चे को भूख नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं खिलाया करते। चलो बेटे पहले घूमने जाएंगे फिर बाद में आके खाएंगे। अच्छा अच्छा। जान तो कहाँ जाएंगे हम लोग? जाएंगे पापा जी। अरे बेटे पहले तैरने चलेंगे और फिर घोड़े पे बैठेंगे। ताली बजा दो, ताली। शाबाश शाबाश। सुनिए मैं इसे घोड़े पर चढ़ने नहीं भेजूंगी। क्यों? इतने से बच्चे को घोड़े पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है, इसीलिए तो सिखा रहा हूँ इसे। मैं कहती हूँ कहीं चोट लग जाएगी तो सब। अजी आपसे ज्यादा ख्याल है मुझे बच्चे का। ए, चलो बेटे टाटा करो मम्मी को। टाटा टाटा। देखा तारा, इतना कहने पर भी नहीं माने, ले गए जबरदस्ती। चिंता क्यों करती हो बहन जी, जब वो साथ है तो डर का है। जा अपना काम कर। डर काहे का? इंदु जी। रवि घर पर कोई नहीं है क्या? अरे इंदु तुम यहाँ अकेली बैठी हो? रवि कहाँ गया? आशु को जॉकी बनाने ले गए हैं। है अभी से घोड़े की सवारी सिखा रहे, कहीं गिर गया तो? यही तो मैं झिंक रही थी, लेकिन सुनता कौन है। आओ बैठो। लेकिन घोड़े की सवारी तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तुम बाप होते तो समझते क्या बुराई। रवि बाप नहीं है। वो तो है, लेकिन तुम क्या हो ये तो बताओ। तुम मेरे से बात मत करो जी। तुम मेरे से बात मत करो। हाँ मैं कब बोला था? और मैंने तुमसे क्या कह दिया? ओहो आप लोग तो फिर से झगड़ने लगे। शांति शांति शांति। आशु नहीं आया अभी तक? अभी आता ही होगा। बड़ी देर लगा दी तुमने आज। मेरा दफ्तर में कुछ काम हो गया था। ये लो तनख्वाह के रुपए, और देखो इस महीने जरा खर्च में कटौती करो। कौन सा खर्च कम कर दूं? फजूल खर्च तो नहीं कर रही हूँ मैं। मैं ये नहीं कह रहा इंदु, हो सके तो अच्छा है। तुम तो जानती हो इस महीने से आशु का खर्च बढ़ गया है, 20 रुपए स्कूल की फीस और 15 रुपए घोड़े के। घोड़े का खर्च क्यों नहीं कम कर देते? फजूल खर्च है वो इंदु, वो बहुत जरूरी खर्च है। मैं अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहता हूँ। तो फिर मैं कौन सा खर्च कम कर दूं? मैं बताऊं? अपने बाबूजी से कहो क्लब जाना छोड़ दे। देखो इंदु हर महीने 100-150 रुपए खराब कर देते हैं, और उसमें कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इंदु बेटी मिल गई रवि की तनखा, 25-30 रुपए दे रही, क्लब का चंदा वगैरह देना। वो क्लब छोड़ने को कह रहे हैं बाबूजी। क्लब छोड़ने को कह रहे हैं? दुनिया छोड़ने को नहीं कह रहे बाबूजी। दरअसल आशु का खर्च बहुत बढ़ गया है। तो फिर मेरा खाना बंद कर दो, घड़ी दो घड़ी क्लब में मन बहलाने को चला जाता था, सो नहीं जाऊंगा। मैं ही पर आया हूँ इस घर में, मेरा ही खर्चा फालतू है। बच्चे के हाथ पैर तोड़वाने के लिए घोड़े का खर्चा जरूरी है, उसे तालाब में डबोने के लिए फीस भरना जरूरी है बाबूजी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे रुपए। चला जाऊंगा ये घर छोड़ के, कर लूंगा कहीं नौकरी।
नहीं बाबूजी, वो तो सिर्फ कह रहे थे, ये लीजिए। रहने दे रहने दे, मेरा अब इस घर में रहना मुश्किल है, चला जाऊंगा यहाँ से कहीं। मम्मी, जा रहे हो नाना जी? डूबने। मैं साथ टैंकी चला दूँ डूब जाएगा। अशु, थप्पड़ मारूंगी मुंह पर। नाना जी से ऐसी बातें करते हैं? आज से तू भी तैरने नहीं जाएगा। कह दे मैं अपने पापा से, मम्मी मना करती है, मैं तैरने नहीं जाऊंगा, समझे? क्या सिखा रही हो बच्चे को? तैरने को मना कर रही हूँ, ये अब तैरने नहीं जाएगा। क्यों? हमें इसे मल्लाह नहीं बनाना, मुझे क्लब में जाने को मना करते हो और खुद बेकार रुपए उड़ाते हो। बाबूजी, रुपए क्लब में उड़ाए जाते हैं, रमी में उड़ाए जाते हैं, जुए में उड़ाए जाते हैं। सुन लिया बेटी, मैं रमी खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, ये क्यों नहीं कह देते कि मैं चोरी भी करता हूँ? नहीं बाबूजी, ये तो वैसे ही कह रहे हैं। वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक कह रहा हूँ, मुझे सब मालूम हो गया। मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ बाबूजी को। जानती हो तो ठीक है, और दिया करो पैसे ने जुआ खेलने के लिए। लो 10 रुपए का नोट, इसके लिए ड्राइवर मंगाना है। तारा, ये लो ड्राइवर की सीसी लाना और बाकी पैसे ले आना। नौकर को दे दे 100 का नोट, जो वो वापस ही ना आए मैं खुद ले आऊंगा। बाबूजी, ले आइएगा जरूर। हाँ, क्लब से लौटता हुआ ले आऊंगा। आइए आइए, आप ही के इंतजार था। मूलचंद जी, आपने शायद तंबाकू बदल दिया है। या, बदल दिया है, आपको मतलब? आते ही। अच्छा भाई, 2 पैसा पॉइंट? नहीं भाई, 1 नया पैसा पॉइंट। नया पैसा? हो गई? आ गए नए पैसे पर। अरे भाई, हम क्या आ गए, सरकार ने ही चला दिया है। लेकिन पुराने पैसे बंद तो नहीं किए सरकार ने? अजी, सरकार ने नहीं, इनके दामाद ने बंद कर दिए होंगे। हाँ भाई, अब तो दामाद का ही मुंह देखना पड़ेगा। अबे मूलचंद तो अपना मुंह भी नहीं देखता, दामाद का क्या देखेगा। लो आओ, 1 रुपया पॉइंट, आओ इसमें दम है। लो, हाँ 1 रुपया, आओ। मैला मत कर, मैला मत कर। मूलचंद जी, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार का है या दामाद का। दामाद का ही समझ ले। आज मूलचंद ने फैसला हो जाएगा। देखा, 10 बज गए लेकिन तुम्हारे बाबूजी का अभी तक पता नहीं। आ जाएंगे, तुम्हारा 100 का नोट लेके भाग नहीं जाएंगे कहीं। ओफो, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ, लेकिन उनको इतना तो ख्याल रखना चाहिए था कि बच्चे के लिए ग्राई वाटर मंगाया। कह दिया, आते ही होंगे। ठीक है, चलो बेटे अपन गाना गाएंगे। आचू बड़ा अच्छा बेटा है ना, अच्छा जी भाई। आचू बड़ा अच्छा बेटा है, आचू बड़ा अच्छा बेटा है ना। बाबूजी, बड़ी देर लगा दिया आपने, और वो ब्राई बोटल लाए? क्या बताऊंगे, क्लब से आ रहा था, रास्ते में गुंडों ने रुपए छीन लिए। अरे, अकेला आदमी किस किस से लड़ता, 10-12 आदमी। भाई, चोट तो नहीं लगी? चोट बोट तो नहीं आई, लेकिन रुपए चले गए सारे। वो तो जाने थे क्लब में। हाँ हाँ, कहते जुए में हार गया। देख बेटी, फिर लगाया मुझ पे इल्जाम। देखो जी, तुम मेरे बाबूजी को कुछ भी कह देते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और जुआ खेलने के लिए रुपए देना अच्छा लगता है? हाँ दूंगी, उन्हें कुछ मत कहा करो। तेरी माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, क्लब जाने से नहीं रोका, तूने कभी नहीं रोका, और ये आदमी मेरा खाना पीना बंद कर देना चाहता है। बाबूजी, मैं आपका खाना पीना बंद नहीं करना चाहता, आपकी बुरी आदतें बदलना चाहता हूँ, फजूल खर्ची बंद करना चाहता हूँ। बेटी, अब तो मैं इज्जत के साथ इस घर से चले ही जाऊँ तो अच्छा। नहीं बाबूजी, मेरे जीते जी आप कहाँ जाएंगे? सोचता हूँ फौज में भर्ती हो जाऊँ। क्या कह रहे हैं आप? फौज में भर्ती होने से कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप ऐसा कीजिए सर्कस में भर्ती हो जाइए। शर्म नहीं आती, बुड्ढे से मजाक करते? बुड्ढा होगा तेरा बाप। बाबूजी। आशु, आशु, अरे बेटे देखो क्या लाए हो तुम्हारे लिए। अरे आशु कहाँ? वो बाहर गया है तारा के साथ। देखो तू क्या लाए। मैं कह लूं, इसकी क्या जरूरत थी, बेकार 30-40 रुपए खर्च किए। ये बेकार नहीं है इंदू, इससे बच्चे की अकल बढ़ती, ये बहुत जरूरी खर्च। हाँ हाँ, बेकार खर्चा तो मेरा है, ये बहुत जरूरी है। वाह, कुर्बान जाऊं मैं कहनो की, छिटाक भर की लोमड़ी और मन भर की तुम,
बित्ता सा बच्चा और कारखाना उठा लाए साहब। हाँ अभी से क्या जल्दी थी, जल्दी थी। मैं अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना चाहता हूँ। हाँ, इंजीनियर बना दे उसे। देखिए आप मेरे काम में दखल मत दिया कीजिए। दखल नहीं दे रहे जी, अकल की बात बता रहे हैं। तुम लोग अपनी अकल अपने पास रखो, मैं जो कुछ करता हूँ ठीक करता हूँ। ठीक ही तो करता है, कमाता है ना। दूध देने वाली गाय की लाते भी सहनी पड़ती है। अब तो वो जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा। इसीलिए कहता था बेटी के नौकरी मत छोड़, पर कौन सुनता है मेरी। लिख के रख ले, एक दिन तुझे पाँव की जूती बना के छोड़ेगा। तुम्हारे घर की बीमारी हमारे घर भी आ गई। हमारे मालिक मालकिन भी झगड़ने लगे। वो भी झगड़ने लगे। अरे इन पढ़े लिखों से तो हम अनपढ़ अच्छे, अपनी तो कभी झगड़ने की नौबत ही नहीं आती। आए कैसे, तुम गुस्सा होते हो मैं चुप हो जाती हूँ, और जब मैं गुस्सा होती हूँ तो तुम चुप हो जाते हो। ऐसे ही चला करता है घर संसार। मर्द नाराज हुआ, औरत ने मना लिया, और जब औरत नाराज हुई तो मर्द ने मना लिया। कौन समझाए इन्हें। जब बत्ती बुझा, नींद आ रही है। पापा जी, एक बात कहो घर में। हाँ बेटे, क्या दो कहो, आओ। तेरे में क्यों चलोगे? बस बेटे, तेरी मम्मी आ जाए फिर चलेंगे। वो आ गई तेरी मम्मी, ले इधर बैठ। देखा जी, स्टेनलेस के बर्तन लाई हूँ, अच्छे है ना? लेकिन इनकी क्या जरूरत थी, पहले ही बहुत थे घर में। मुझे अच्छे लगे ले आई, कुल 150 को तो है। मैं खर्चा कम करने के लिए कह रहा हूँ, तुम वो कह रोज बढ़ाती चली जा रही हो। मैंने कौन सा खर्चा बढ़ा दिया? बढ़ाया नहीं, क्या जरूरत थी इन बर्तनों की, दुकान की दुकान उठा ले। भाग नहीं जाएंगे घर से ये। वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन बेकार रखे तो रहेंगे। मैं पूछती हूँ नुकसान क्या हो गया तुम्हारा? और फायदा भी क्या हो गया, बेकार में इतने पैसे खर्च कर दिए। तो मैं कुछ भी खर्च नहीं कर सकती, मेरा कोई अधिकार नहीं इस घर में। ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं लाऊंगी। जहाँ दो सड़क पर फेंक दो ना, मुफ्त कमाने को कमाना थोड़ी पड़ता है। तुम्हें कमाना पड़ता है इसलिए कह रहे हो ना, इसलिए अकड़े हो, इसलिए बाबू चुकरो ताने देते हो। इंदू, भूल के एक दिन मैं भी नौकरी करती थी, अगर चाहूँ तो आज भी कर सकती हूँ। इंदू, लेकिन रवि तू तो हम लोगों को समझाया करता था भाई। पर उपदेश कुशल पर होते रहे, अब कहाँ गई वो समझदारी? समझदारी तो उस घर में रह नहीं सकती भाभी। मैं समझता हूँ अब मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल है। रवि, वो मुझे पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देना चाहते हैं बाबूजी। मैं कुछ भी नहीं खरीद सकते अपनी मर्जी से। वो कमाता है ना बेटी, मुझे तो उसके लक्षण पहले ही से दिख गए थे। तेरी माँ ने मुझसे नौकरी छुड़वा दी, पर खुद नौकरी नहीं छोड़ी। तू भी स्कूल ना छोड़ती तो इन 4 साल में 4-5 हजार रुपए जमा होते बैंक। गलती तेरी है, अब पछताने से क्या होगा। मैं फिर से नौकरी करूंगी बाबूजी। वेरी गुड। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था कि इंदू नौकरी मत छोड़। खैर तुम वापस आ गई, ये बहुत ही अच्छा। अब तुम कल ही से चार्ज ले लो अपने काम का। अच्छा, थैंक यू। अरे मम्मी आ गई। मम्मी अभी आती होगी आशु, तुम यहीं बैठो। हाँ देखो, चुपचाप बैठना। मम्मी आ गई तारा। मम्मी अभी आती होगी, तुम बैठो मैं दूध ले आती हूँ। लो अभी आशु गरम गरम दूध पिएगा। पिएगा ना दूध? लो लो दूध पियो। मम्मी के पास पी रही है। नहीं
ना नाना करते आशु। पापा जी आगे आशु। पापा जी आज सबसे पहले आ गया। अच्छा, अरे बेटे तुम्हारी मम्मी कहाँ है आज? वो तो आज स्कूल गई। स्कूल? जी हाँ, नौकरी पर। नौकरी कब से करने लगी वो? आज ही से। पापा जी, चलो बेटे दूध पियो। नहीं अब मम्मी जी आज पियेंगे। बेटे आज से हम तुम्हें दूध पिलाएंगे। नहीं नहीं, तुम ही दूध पिलाओगे। हाँ। मम्मी नहीं पिलाएगी? नहीं। पापा जी मम्मी नौकरी करने लगी, बताओ ना पापा जी मम्मी नौकरी करने लगी तारा की वजह से। बेटे तुम दूध पी लो। नहीं। पी लो ना। तारा, मम्मी आ गई। मम्मी कहाँ गई थी? पता है नहीं तारा ने। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने आज से नौकरी कर ली है। क्यों की है तुमने नौकरी? किसने कहा था नौकरी करने के लिए? कहता कौन, मैंने खुद की है, अपनी मर्जी से की है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इस घर में, मेरे कहने के मुताबिक चलना होगा तुम्हें। जो मैं चाहूंगा वही होगा इस घर में। तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मुझे छोड़ना होगा। जब तुमने इतनी बड़ी बात कह दी है तो फैसला भी तुम ही कर लो। कर लिया फैसला, कल से तुम नौकरी पर नहीं जाओगी। और अगर गई तो? तो नतीजा बहुत बुरा होगा, शायद तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। आज फिर स्कूल गई है? जी हाँ। पापा जी तुम अपने हाथ से खाना खिलाओ। अपने हाथ से खाना सीखो, चलो बैठो इधर, ले लो। लो आशु, जल्दी खाओ जल्दी खाओ, पापा जी नाराज हो जाएंगे। खाओ। नहीं, नहीं खाऊंगा। अच्छा साहब, पापा जी वो कितने दिन रहेंगे? हाँ बेटे, और खाना पीना खाएंगे? हाँ। सोएंगे बेटा?
हाँ बेटे यहीं सो जाएंगे, अब घर नहीं जाएंगे। पापा ने बोले तो काय का हो गया? अपनी तकदीर प्यासने के लिए। हमें तो भी अच्छे थे पापा, तुम भी अच्छे थे, मम्मी भी अच्छे थे। हाँ बेटे बहुत हंसे हम लोग, मैं बहुत हंसा तुम्हारी माँ के साथ, इतना हंसा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ पापा तुम रोते हो, मैं बताऊँ क्यों रोते हो? मम्मी ने तुमसे झगड़ा किया है ना? हाँ बेटे इसीलिए तो हम लोग यहाँ आ गए, अब हम यहीं रहेंगे। अच्छा 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 मम्मी को हम लोग कभी नहीं देखेंगे। लेकिन इंदु जी इसमें आपकी भी गलती है, उसके मना करने पर आपको नौकरी पर नहीं जाना चाहिए था। रवि की भी गलती है, उसे इस तरह घर छोड़कर होटल में रहने नहीं जाना चाहिए था, और बच्चे को भी साथ ले जा। वो समझते होंगे मैं आशु के लिए उनके पैर पकड़ूंगी, उनकी खुशामद करूंगी, लेकिन मेरा भी नाम इंदु है, मैं जबरदस्ती लाऊंगी बच्चे को। तुझे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं बेटी, वो खुद लेकर आएगा बच्चे को। मुझे भी देखना है मेरे बिना कैसे रहता है आशु उनके पास। आशु आशु बेटे, आशु बेटे अब तो सो जा, 10 बज गए। देखो आशु, अगर तुम जिद करोगे ना तो हम तुझे अपने पास कभी नहीं सुनाएं, समझे? चल सो जा। इंदु जी नहीं लगता बाबूजी, पता नहीं क्या हाल होगा आशु का। हाल क्या होगा बेटी, वो कोई अकेला थोड़ी है बाबा। आशु आशु, अरे अब तो सो जा बेटे, 11 बज चुके हैं। मैं तो जाऊंगा मम्मी के पास जाऊंगा। बेटे मम्मी के पास सुबह चलेंगे ना, अभी सो जाओ तुम। क्या आशु मेरी तुम बात तो सुनो, तुम यहाँ सो जाओ फिर सुबह चलेंगे मम्मी के पास। बड़ा अच्छा बेटा है, बेटे सो जाओ ना यहाँ। नहीं जाओ मम्मी के पास। बाबूजी मैं खुद वहाँ जाऊँ तो बेहतर है। पागल हो गई है क्या? यही तो वो चाहता होगा। देखती जा वो खुद आंसू को लेकर आएगा यहाँ। भला माँ के बगैर बच्चा कैसे रह सकता है? जा तू आराम से सो जा, सुबह नौकरी पे जाना। आशु बेटे भगवान के लिए सो जा, सुबह जाएंगे जान जाएंगे। ओहो मैं क्या करूँ अब इसका। आशु अशु पास जा रहा है तुम, मम्मी के पास जाएगा, जा नहीं सोएगा। अच्छा बाबा चल मम्मी के पास चल। मैं बाप अब तो चुप हो जाए, तेरी मम्मी के पास जा रहा हूँ। Thank you.
हुआ था बेटा? बाबूजी, वो आए थे बाबूजी। आया था, मैं कहता ना था कि वो जरूर आएगा। एक दफा आया है तो फिर आएगा, तू चिंता मत कर, चलकर सो जा रहा। हाँ बेटे, मुझे यह सुना दिया मम्मी के पास नहीं लगे। लेके तो गए थे बेटे, याद नहीं कंधे से लगा के लगे थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी ने बेटे दरवाजा ही नहीं खोला। क्या दरवाजा नहीं खोला? नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं खोला। मैं कभी नहीं जाऊंगा मम्मी के पास। मैं भी जाऊंगा नहीं, कभी नहीं जाऊंगा मम्मी के पास। मम्मी आएगी तो मैं भी दरवाजा बंद कर दूंगा, कभी भी दरवाजा खोलूंगा। शाबाश, बिल्कुल नहीं खोलना बेटे। अच्छा, और अशु देखो बेटे, हम नहाने जा रहे हैं, तब तक तुम खेलो, उसके बाद फिर तुमको नहलाएंगे। अच्छा, आशु, मम्मी, आशु, चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आशु, आ, आ मेरे पास। आशु, 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 मैं खोलूँगा, मैंने खोलूँगा, मैंने खोलूँगा। आशु, दरवाजा खोलो बेटे। आशु, खोलो ना दरवाजा। मैं दरवाजा नहीं जाऊंगा, मैं मम्मा के पास रहूंगा। नहीं खोलेगा? आशु, आशु, तुम मुझसे नाराज हो गए बेटे? मेरे पास आ, आशु। पापा जी, दरवाजा खोलो पापा जी। आशु, दरवाजा खोलो पापा जी। आशु, चलो बेटा घर चले। मैं पापा के पास रहूंगा, तुम्हारे पास ले जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो बच्चा को लेके? क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम क्यों आए थे रात को? मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि ये रो रहा था। मैं भी रो रही थी रात को। क्यों, बाप ने आंसू नहीं पूछे, नौकरी करके भी खुशी नहीं मिली? बाप का कहना नहीं माना, इसीलिए तो रोना पड़ा, और नौकरी छोड़ी इसलिए पछताना पड़ा। तो यहाँ क्यों आई हो? भगवान ने औरत बना दिया ना मुझे। औरत की मर्यादा का ख्याल है तुम्हें? वही ख्याल तो मुझे यहाँ खींच लाया। मैं दुनिया को तमाशा नहीं दिखाना चाहती, बैठो। देखो इंदु, अगर तुम औरत बनकर रहना चाहती हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, तो खुशी से रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी नौकरी को छोड़ना होगा।
अपने बाप को छोड़ना होगा। मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकती। तो रहो अपने बाप के पास, चले जाओ यहाँ से। आशु को तुम नहीं ले जा सकती, ये मेरे पास रहे। नहीं जी, मैं रखूंगी इसे अपने पास। तुम कौन होती है इसे अपने पास रखने वाली? मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरे पास रहेगा, कानून से मेरे पास। कानून यहाँ नहीं अदालत में है, जाओ अदालत में। तुम मर्द हो इसलिए जोर दिखा रहे हो, इसलिए बच्चों को माँ से अलग कर रहे हो, लेकिन याद रखो इंसाफ मेरे साथ है। मैं तुम्हें अदालत में खींचूंगी। अदालत में खींचोगी? तो जाओ अदालत में, पहले तलाक लो और फिर बच्चे पे हक जताना। क्या कहा उसने बेटी? उन्होंने मुझे तलाक की धमकी दी है बाबूजी। तलाक? ठीक है, उसने जो धमकी दी है मैं उसे सच करके दिखा दूंगा। ऐसे ही बदमाशों की अकल ठिकाने लगाने के लिए सरकार ने ये कानून बनाया। पर तू फिक्र मत कर बेटी, जैसे मैं कहूँ वैसे करती जा, ना को चने चबा दूंगा बेटा को। आज जो हक मर्द को है वो औरत को भी। होश की दवा करो भाई, होश की दवा करो। हाँ रवि जी, तुम ही इस तरह पेश आओगे तो वो बेचारी आखिर जाएगी कहाँ? क्यों, तलाक लेने का हक है उसे? पागल हो, तलाक लेने का हक तेरे साथ रहने का हक नहीं है उसे। वो बात कभी की खत्म हो गई रेवती शरण, अब हम दोनों के लिए एक ही रास्ता है, तलाक। देखिए वकील साहब, मेरे कहने का लब्बो लुबाब ये है। ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गया। देखिए, आप तो अपने हस्बैंड से 2 बरस तक बिल्कुल अलग रहना चाहिए, उसके बाद आप तलाक की दरखास्त दे सकती हो। फिर तलाक मिल जाएगा वकील साहब? हाँ हाँ, जरूर मिल जाएगा। सुना इंदू, कानून हमारे साथ। हाँ सुना तुमने, मलकिन तलाक लेंगी मालिक से। तलाक? अरे राम राम, शादी के ढोल क्यों पीटे थे? फिर तमाशा बना रखा है इन बड़े लोगों ने शादी का। पहले तो अपनी मर्जी से करेंगे शादी, फिर जरा जरा की बात पर झगड़ेंगे और फिर दौड़ेंगे लेने तलाक। तो सारा कसूर तो सरकार का है, क्यों बनाया ऐसा कायदा? कोई जानता भी नहीं था तलाक या फल्लाक। अरे तो सरकार ने कायदा इसलिए थोड़े ही बनाया कि चट शादी करो और फिर तलाक लेने दौड़ो। ये कायदा तो उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी जिंदगानी बर्बाद हो रही है। अब जैसे ये मन्नो है, 10 बरस हुए घर वाला छोड़ के चला गया, ठीक है ये ले लेता ना। वो बाबू चंद्रबान है, कुछ करते धरते नहीं, औरत की कमाई खाते हैं, दारू पीते हैं, ऊपर से घरवाली को मारते हैं, जरूर छोड़ देना चाहिए ऐसे आदमी। या फिर कोई पागल हो, बदचलन हो, कोई हर्ज नहीं है तलाक देने में। पर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, दोनों में कोई बुराई नहीं, दोनों समझदार हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं। काहे के पढ़े लिखे हैं, उनसे तो हम अनपढ़ अच्छे हैं, हाथ पकड़ते हैं तो जिंदगी भर निभाते हैं। अरे ये शादी की गांठ जन्म जन्म की गांठ होती है, मरने पर भी नहीं खुलती वो। ठीक है मन मुटाव भी होता है, झगड़े टंटे भी होते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी के तलाक ले लो। छोटा सा बच्चा है, क्या होगा उस बेचारे? अरे कम से कम बच्चे का तो ख्याल करना चाहिए उन्हें। सच कहते हो, झगड़ा इनका और मरण उस बेचारे का। अशु तू बैठा क्यों है? नहीं जाना मम्मी के पास। Thank you.
घर सुना सुना लगता है। मैं तो नौकरानी हूँ बहन जी, मुझे ही अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारा जी कैसे लगता होगा। मेरा जी खूब लग रहा है, कुछ बुरा नहीं लगता मुझे। है मालिक के बिना और बच्चे के बिना? मालिक तेरे है या मेरे, बच्चा मेरा है या तेरा? मैंने कब कहा बहन जी, मालिक भी तुम्हारा और बच्चा भी तुम्हारा। मुझे तो यूँ दुख हो रहा है कि बच्चे को 3 बरस खिलाया है मैंने, मालिक का नमक खाया है। नमक खाया तो चल गया उनके पास, याद कर रहे होंगे तुझे। मुझे याद करने वाला है मेरा मर्द, तलाक नहीं ले रही मैं उससे। मुझे नहीं चाहिए तेरी नौकरी, निकल जा मेरे घर से। निकल जा, आज 9 साल के बाद तू मुझे निकाल रही हो बहन जी। ठीक है, जो अपने मर्द को छोड़ सकती है, बच्चे को छोड़ सकती है, वो नौकरानी की क्या परवाह करेगी। जाती हूँ बहन जी, कहा सुना माफ करना। संभल के, हाँ संभल के, गिरना नहीं। शाबाश शाबाश, अभी हाथ धुलो। चलो, क्या हुआ, रुक क्यों गए, इसमें डरने की क्या बात है, चलो उंगली पकड़ो, चलो स्कूल चलो। आऊंगी मेरे मुन्ने, मैं जरूर आऊंगी। बाबूजी, मैंने नौकरी छोड़ दी वहां। अच्छा, तो तू मेरे पास आ जा, मुझे जरूरत भी है इसे संभालने के लिए, बस सारे इसके साथ है ना। अच्छा बाबूजी। लेकिन इसमें कोई चाल तो नहीं? बाबूजी, हम गरीब है पर दगाबाज नहीं। तुम्हारी नौकरी इसलिए करने को राजी हो गई कि मैंने 3 साल इसे गोद में खिलाया है। अच्छा खैर, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि इंदु या उसके बाबूजी से लेना जाए। कभी नहीं बाबूजी, मैं स्कूल में भी अकेला नहीं छोड़ने की। तो आओ मेरे साथ।
आप आधे रात को सोच क्या रहे हो बैठे हुए? कुछ नहीं, रवि और इंदु का ख्याल आ गया था, अब वो दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। इसीलिए कहा करता हूँ रोहिणी, झगड़ा अच्छा नहीं होता। हाँ, तो क्या मैं ही झगड़ा करती हूँ? तुम नहीं झगड़ते। ओहो, मैं सिर्फ तुमसे नहीं कह रहा, दोनों से कह रहा हूँ, दोनों को नहीं झगड़ना चाहिए। देख लो क्या अंत हुआ रवि और इंदु के झगड़े का, एक घर में दूसरा होटल में। लेकिन हमारा झगड़ा होता है कितनी देर का है? अजी थोड़ी देर के लिए भी नहीं होना चाहिए, प्यार कम हो जाता है झगड़े से, समझती तो हो नहीं। लेकिन मेरा प्यार कम नहीं होता, सच कहती हूँ। जब कभी तुम दो चार दिन के लिए बाहर जाते हो ना, तो मुझे खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ रोहिणी, लेकिन दूध में नमक डाले ही क्यों इंसान? अच्छा लो, हम कसम खाते हैं आज से झगड़ा नहीं करेंगे, तुम भी कसम खा। अच्छा लो, मैं भी कसम खाता हूँ, तुम भी क्या याद करोगी। सुनो, एक खुशी की बात सुनाओ। सुनाओ। वो दरअसल बात यह है कि बच्चे की उम्मीद है। ओफो रोहिणी, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये मेरी फैमिली प्लानिंग की किताबें कौन उल्लू का पट्टा पड़ेगा? ले जाओ उनको यहाँ से, आग लगा दो इनमें। रोहिणी, तुमने तो मेरे ही घर में प्लानिंग करके रख दिया। देना डिब्बे में जल्दी से। कौन मिठाई? जो सबसे अच्छी हो। एक रतन 2 रुपया 4 आना। आशु, मेरे पास नहीं आएगा बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तेरी माँ हूँ तो क्यों नहीं आई मेरे पास? क्यों शराब मुझको खिला? मैं नहीं आने का जाओ। आशु, मेरी बात का सुन बेटे। मैं रोना बाहर के लिए बाहर तू। मैं रोने वाला जाऊँ तू बाहर के लिए। चलो। आशु, कैसे समझाऊँ तुझे? चलो आशु, चल। तारा, एक बार छाती से लगाने दे इसे। तारा, मैं इसकी माँ हूँ। आशु, आशु, मम्मी, आशु, मम्मी, ले तारा, ले जाइए इसे। ध्यान रखना, मेरी याद मत आने देना इसे। चलो आशु। तारा, आशु, बेटे तुम्हारे लिए ये डिब्बा लाई हूँ, ले लो मिठाई। मम्मी, 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 मम्मी,
आशु उठो बेटे, देखो दिन निकल आया, चलो तैरने चलेंगे। अरे उठो ना, अच्छे बच्चे बेटे इतनी देर तक नहीं सोते, चलो शाबाश। अरे बुखार, तारा आशु को तो बुखार चढ़ा है। बुखार? आशु, आशु भैया, हरे राम, कितना तेज बुखार है, तुम खड़े क्या हो बाबूजी? किसी डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। डॉक्टर? अच्छा तू इसके पास बैठ, मैं भी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। Nothing very serious, लेकिन इसको नर्सिंग की पड़ी। आप मेरे साथ चलिए, मैं दवाई देता हूँ। चलिए। लो बेटे पियो। दवाई है? नहीं बेटे, शरबत है। शाबाश। शाबाश। तुम झाग करो इसका। नखरे वाली का कौन है? जी मैं हूँ मंगल। क्या है? वो तनखा लेने आया था तारा की। कैसी तनखा? नौकरी वो खुद छोड़ के गई है। पर 20 दिन काम करके गई है बाबूजी। गई है ना, तनखा भी गई। गई कैसे? मैं तो लेने आया हूँ अपनी घरवाली की तनखा। कैसी घरवाली? किसकी घरवाली? मैं किसी को नहीं पहचानता। अच्छा जी, पहचानते भी नहीं? ठीक है, जो अपने जवाई को भूल गया वो नौकरानी को कहां तक याद रखे। मंगल, लेकिन ये तुम्हारा कसूर नहीं से, खुद गर्जी ने तुमको अंधा कर दिया है और तुम्हें अपने पेट के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। निकल जा यहां से, नालायक, बेशरम कहीं का। मैं बेशरम? देख, मैं इन हाथों की कमाई खाता हूँ, बेटी की कमाई नहीं खाता। अपनी बेटी के सुख में आग नहीं लगाता, अपने हाथ से बांधे हुए बेटी के गठबंधन में ताक की आग मैं नहीं लगाता। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जरा सोचो, क्या हक है तुम्हारा उस लड़की के ऊपर? असली हकदार तो बेचारा होटल में पड़ा हुआ है, बच्चा माँ के लिए तड़प रहा है, माँ बच्चे के लिए तड़प रही है, और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए ताश खेल रहे। कैसे बाप हो तुम? माँ बाप को औलाद के लिए खून बहाते हुए हमने देखा है, लेकिन औलाद का खून पीते हुए न देखा और न सुना। अरे रख ले तनखा, आज दिन तक बेटी के पैसे खाता आया, नौकरानी के भी पैसे खा ले तू। आते अरे कैसे बाप हो तुम? माँ बाप को औलाद के लिए खून बहाते हुए हमने देखा, लेकिन औलाद का खून पीते हुए न कभी देखा न कभी सुना। तू आते दौड़ रहे थे उनके पीछे, क्यों जोड़ रहे थे उनके आगे हाथ? बेटी मुझे उसके आगे हाथ जोड़ने चाहिए, मैं ये भूल गया था कि मैं एक लड़के का बाप हूँ। जा तू रवि के पास, जैसे भी हो उसे समझा बुझा कर वापस लिए। मेरा क्या है, कहीं भी चला जाऊंगा, तुम लोग आराम से अपनी गृहस्थी चलाओ।
अरे अपने लिए ना सही, बच्चे के सुख के लिए मुझे भूल जा इंदु, मुझे भूल जा। बाबूजी, मैं उस निर्दयी को भूल सकती हूँ, मैं आशु को भूल सकती हूँ, मैं ये भूल सकती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकती बाबूजी, अपने बाप को नहीं भूल सकती। मैं उनका मुंह भी नहीं देखूंगी। इंदु, क्या बताऊं रेवती बाबू, वो लोग तो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते। किसी तरह दोनों को एक जगह लाना चाहिए, शायद काम बन जाए। रोहिणी, तुम्हारी सालगिरह मनाई जाए परसों को। बड़ा ख्याल आ गया मेरी सालगिरह का। अरे भाई, तो तुम अरे मेरी सालगिरह को अभी 2 महीने बाकी है, मेरी उम्र क्यों बढ़ाते, अपनी सालगिरह बना लो ना। अरे भाई, मेरी सालगिरह को तो 6 महीने बाकी है। ऐसा करो, मेरी सालगिरह मना लो, मेरे जन्म का तो किसी को पता नहीं, बस इतना याद है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था। लेकिन बाबूजी, आपकी सालगिरह में रवि कैसे आएगा? हाँ, ये भी ठीक है। तो फिर ऐसा करो, रवि को मेरे मरने की खबर कर दो, शायद आ जाए। बाबूजी, आप दुखी ना होइए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। क्या कर लो? अब तुम्हें क्या बताऊं क्या कर लूंगा। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, एक मिनट बंद करो। शाबाश शाबाश, बस अभी खोल। रवि आओ, रेवती भैया आओ। हेलो अंकल। हेलो भाई, क्या हुआ हमारे आशु को? बुखार आ गया इसे कल से। आ गया? कितना बुखार? अब तो ज्यादा नहीं है, लेकिन रात को बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर क्या कहता? डॉक्टर क्या कहता है? कहता कोई घबराने की बात नहीं। तुमको क्या खबर है? खबर? हाँ भाई, खबर ये है कि मैं तो तुम्हें दावत देने आया हूँ। आज रोहिणी की सालगिरह है शाम को। शाम को सालगिरह? वो बात ये है यार कि वो शाम को पैदा हुई थी ना, इसलिए सालगिरह भी शाम को है और दावत भी शाम को ही है। लेकिन तुम तो देख रहे हो बच्चे की हालत, मैं कैसे आ सकता हूँ? हाँ यार, बात तो ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए चले आना। तुम्हारी भाभी ने खास तौर पे तुमको बुलाया है, यानी कि स्पेशली, और तारा जो यहाँ पर है। हाँ बाबूजी, फिकर मत कीजिए, आप चले जाइए शौक से, मैं यही रहूंगी रात को। हाँ बोलो। अच्छा भाई रेवती, आ जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। दैट्स राइट, लेकिन देखना भाई, ठीक 7 बजे। ओके। अच्छा बेटा आशु, टाटा। आशु भैया, दूध पियोगे ना? थोड़ा सा पी लो ना। इंदु भी आ रही उधर से। अच्छा, दोनों एक साथ? अरे तब तो मजा आ गया। बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब।
अब। सुनो श्रीमान जी, लड़ना तो मैडम है एक लड़क बन, इसमें बड़ा नुकसान जी। हाँ सुनो सुनो श्रीमान जी, क्यों बैठे हट के मुखड़ा पलट के, फिर से बंधो एक तार में। जरा तो आके देखो मिला के, बड़ा मजा है प्यार में। ओ बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। और बीबी के झगड़ों ने राजा लाखों घरों को उजाड़ा। ये थी चतानी अच्छी नरानी, घर को बनाओ ना अखाड़ा। अरे छोड़ो ये गर्मी, आने दो नरमी। छोड़ो ये गर्मी, आने दो नरमी, उससे के देखे मुमार में। जरा तो आके देखो मिला के, बड़ा मजा है प्यार में। बाबू साहब, ओ मेम साहब, ओ बाबू साहब मेम साहब। मेरी बात तो सुनो। हट जाओ भाभी। इंदू जी, बाबू जी, बीबी जी, आंसू की सौगंध है आप दोनों को। ये मेरी छोटी सी बात सुनते जाइए। आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, मैं तो अनपढ़ गवार, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इंसान और हैवान में सिर्फ धर्म का फर्क होता है। आप भी अपना धर्म भूल गए हैं बाबूजी, और आप भी अपना धर्म भूल गई हैं। आप दोनों ने अपने अपने बारे में तो सोच लिया और उस बच्चे को बिल्कुल ही भुला दिया। हो सकता है कि आप एक दूसरे को छोड़कर सुखी हो जाए, आपको दूसरी औरत मिल जाएगी बाबूजी, और आप भी शायद दूसरा ब्याह कर लेंगी, लेकिन आंसू उस मासूम बच्चे का क्या होगा? उसको माँ और बाप दोनों के प्यार की जरूरत है बाबूजी, आप दोनों के बगैर वो जी नहीं सकेगा। इस पर भी अगर आपको तलाक लेना है तो लीजिए, जरूर लीजिए, लेकिन तलाक लेने से पहले अपने हाथों से अपने आंसू का गला घोंट दीजिए। बोलिए, कौन घोंटेगा उसका गला, आप या आप? दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किसन कन्हैया का, ये भूमि वही है प्यार जहाँ लुटता था जसोदा मैया का, लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं। माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहम करो माँ बाप हमारे, भूले वो जिन्हें हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम
Thank you.
करना और तुम्हें मत करना। नहीं करोगे ना मम्मी, तुम्हें नहीं करोगे ना।